मैं कुछ दिनों के लिए मानव लीला खेलना चाहता हूं, जब तक इन राक्षसों का मैं वध ना कर दूं। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अवश्य नाथ। मैं अदम शक्ति नारायणी वैभवी सीता माया हूं। हे अग्निदेव प्रकट होइए, 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 हे अग्निदेव प्रकट होइए। अब रघुनंदन के अंग संग मैं प्रस्तुत सीता माया हूं। चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। जैसी आगे आगे रखते ते ही बन निकट दसानन गए, तब मारीच कपट मृग भय। सीता परम रुचि मृग दे, सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग तू मनोहर बेसा, अंग अंग तू मनोहर बेसा। सीता परम, सीता परम देखा। अंग अंग तू मनोहर बेसा, अंग अंग तू मनोहर बे। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर चाला, मृग कर अति सुंदर चाला। आर्य देखिए कितना सुंदर मृग है, कंचन पार्श्व मृग। हाँ सीते, सचमुच बहुत ही सुंदर मृग है। आर्य मैंने वनों में आने के पश्चात आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्या आप मेरे लिए वो मृग पकड़ कर ला देंगे? परंतु सीते तुम इस मृग का क्या करोगी? मैं इसका पालन करूंगी नाथ। ये जब हमारी पर्ण कुटी में विचरेगा तो कितना सुंदर लगेगा। नाथ इसके नन्हे नन्हे पगों में घुंघरू बांध लूंगी और जब हमारी वनों की अवधि समाप्त होगी तो हम इस नन्हे से मृग को भैया भरत को भेंट करेंगे। वो कितने प्रसन्न होंगे अयोध्या के महलों में जब ये विचरेगा और इसके घुंघरुओं की छन छन गूंजेगी तो
वो दृश्य कितना लुभावना होगा नाथ। परंतु सीते, यदि ये जीवित ना पकड़ा गया तो? नाथ, तो आप इसका आखेत ही कर लाइए। इसकी सुंदर मृगछाला मेरी पर्ण कुटी का श्रृंगार बनेगी। अच्छा सीते, मैं अभी जाता हूं। लक्ष्मण जी भैया, लक्ष्मण मैं सुनहरी मृग को पकड़ने जा रहा हूं। भैया, मुझे तो यह कोई राक्षसी माया नजर आती है। लक्ष्मण, कुछ भी प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होता। जिसकी भी तुम कल्पना कर सकते हो, वो इस संसार में कहीं ना कहीं अवश्य विद्यमान है। नाथ, शीघ्रता कीजिए, देखिए मृग वनों को ओझल हो रहा है। हाँ सीते, तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। मैं अभी जाता हूँ। ए हा प्रकट तुरत तक रत छल भोरी, प्रकट तुरत तक रत छल भोरी, एही विधि प्रभाव गयउ ले दूरी, एही विधि प्रभाव गयउ ले दूरी, प्रकट तुरत तक रत छल भोरी, प्रकट तुरत तक रत छल भोरी, एही विधि प्रभाव गयउ ले रघुनंदन। लक्ष्मण, तेवर लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? सुना माते, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। नहीं लक्ष्मण, ये आठ स्वर तुम्हारे भैया श्री राम का है। ये मेरे रघुनंदन का स्वर है। नहीं माते, भैया श्री राम का कंठ स्वर नहीं है। ये अवश्य ही कोई राक्षसों की माया है। नहीं लक्ष्मण, हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर देवर, इसमें संदेह नहीं, रघुनंदन इस समय संकट में है। संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट? मां, जिनके भोग मात्र इशारे से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता हो, क्या ऐसे प्रभु श्री राम पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? मां मां, किसमें इतना साहस है जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां कब अंधकार आएगा? अच्छा अच्छा, माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? श्री आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ माँ, मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सब कुछ नछावर है मेरा जेठे भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये वराग्य व्यार, वे चारों ओर अंधेरा है। मां, तुम्हें अकेला छोड़ू मैं कर्तव्य नहीं, ये मेरा है। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने ज्वाला सी भड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, शगुन अच्छे नहीं है। तुम इसी क्षण मृग वाली दिशा में जाओ। आपको यहाँ अकेला छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो, यदि कुछ हो गया तो। लक्ष्मण, अधिक वार्तालाप करने का समय नहीं है। ये वार्तालाप तो फिर होते रहेंगे। देवर, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ इसी क्षण पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा करें माते, क्षमा करें अपने इस ठीठ पुत्र को, क्षमा करें जो आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन? लक्ष्मण,
देवर, अपनी अपनी भाभी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर तुमने मेरी अवमानना की है। नहीं माते। तो ठीक है लक्ष्मण, एक आर्य नारी अपने सती धर्म की रक्षा करना स्वयं जानती है। लाओ अपने शस्त्र मुझे दे दो। तो क्या शस्त्र भी ना दोगे? ठीक है, मैंने शस्त्र ही अपने स्वामी की रक्षा को जाऊंगी। ठहरिए माते। माते, मुझे तो केवल आपकी चिंता है। भैया भैया मुझे यहाँ पर आपकी रक्षा के लिए छोड़कर गए। मैं समझी, मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझी। तू अवश्य ही पाप की मंशा लेकर वनों को आया है। माते, क्या आप अपने शब्दों की परिभाषा को जानती है? हाँ जानती हूँ, अपने शब्दों की परिभाषा को भी और तुम्हारे कलुषित मन को भी। लक्ष्मण। नहीं माते। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया के प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी भावना, तुम्हारी भक्ति सब चलावा है लक्ष्मण, सब दिखावा। नहीं माते, नहीं। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं माते। तुम घर से वन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा। नहीं माते। सच है घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं। नहीं, 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 नहीं। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माते। नहीं माते। हे विधाता, तू ये क्या दिन दिखाना चाहता है? एक माँ अपने बेटे पर कैसे कैसे आरोप लगा रही है? ये सब सुनने से पहले हे कानो, तुम भैरव क्यों ना हो गए? हे वसुंधरे, तू रसातल में धस क्यों ना गई? हे पर्वतों, तुम आपस में टकराते क्यों नहीं? हे महाकाल, तू ही सब आगे लक्ष्मण को अपने मुख का ग्रास क्यों नहीं बना लेता? माँ, मुझे राघवेंद्र के चरणों की सौगंध, जो मैंने स्वप्न में भी ऐसा बिचारा हो। मैं तो केवल बेटे भाई की आज्ञा का पालन कर रहा बस बस लक्ष्मण, अधिक बातें ना बनाओ। खोटे हैं मन में तुम्हारे, सोचते हो माफ। नहीं, मन को पहला देखो, बस मीठी रसीली बात नहीं। सुनो लक्ष्मण, दानव दैत्य धनुष गंधर्व यदि मिलकर के भी आएंगे तो सीता को अपने मरण पर निश्चल ही पाएंगे। आंखें फूट जाए मेरी, जो बद नजर करूं हो जाऊं नरकवास साफ का। चिंतन भी अगर करूं, दिल में श्रद्धा है आप वह जगदम्बे मान कर इन्हीं चित्रों को पूजता हूं मैं, मां सुमित्रा के चरण मानकर, मां सुमित्रा के चरण मानकर, मां सुमित्रा के चरण मानकर। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधी लेने भ्राता की, जाओ सुधी लेने भ्राता की। ठीक है माते, जेठे भाई की आज्ञा को ठुकराता हूँ और आपकी आज्ञा को शीश लगाता हूँ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो,
धर्म की नौका के सूर्यदेव मल्ला हो तुम आज्ञा पालन करता हूं बस इतना संतोष मुझे रघुराई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे अच्छा अच्छा माता मैं जाता हूँ तुम सावधान होकर रहना आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना ओम रामाय नमः ओम रामाय नमः ओम रामाय नमः हे पृथ्वी तू हो जा सावधान सचेत मैं तुझको कहूं तेरी छाती पे राम नाम की मैं आज लकीरें देता हूँ लेकर ज्वाला ब्रह्मांड की लक्ष्मण रेख लगाए इस रेख उल्लंघन करके जो प्रकृति में आएगा आज इस लक्ष्मण की तत्काल ही भस्म हो जाएगा अब अपनी सीता माता को तुरवरो छोड़ता हूँ तुम पर अपनी रखवाली में रखना हे वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर हे पक्षी प्रिय रक्षक हो तुम पर अपना घर हे पंचवटी हे पंडकुटी माँ सीता को तुम पर सोचा है भैया चल मैं खुल गया रघुनंदन हरि के लगा बाबा मन हरि के लगा बाबा जोगी की है ये सदा बाबा जोगी की है ये सदा बाबा सूरज जो जो दे जब ठहर गया वो बंदा जाता जज एक जगह जब ठहर गया वो बंदा जाता बाबा इसलिए बनो दानी बाबा मन हरि के लगा हे माई हमको भिक्षा दे मर्तबा रहे आला तेरा भगवान तुझे जीता रखे हो सदा
सदा भोल वाला तेरा, तू दूधोरा पूतो फल दिन पर दिन फल भागी हो। अरे भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। क्षमा भगवान, आप तनिक ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए, आशीर्वाद ये हमको दे, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आयुष्यकार से कुशल सहित स्वामी को मेरे कष्ट न हो। लीजिए योगीराज। पर देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो? अरे पास आकर भिक्षा क्यों नहीं देती? क्षमा भगवान, ये देवर, ये रेखा मेरे देवर की आन है, मैं इसे लांघ नहीं सकती। मुझे अपनी पुत्री समझ मेरी विवशता को समझिए। लीजिए, ठीक है देवी, तो हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये क्या, ये कोई माया है या वो जस किसी सती का है, अथवा सीता है महाशक्ति सत किसी पवित्र सती का है? यदि रेख उल्लंघन करता है तो निश्चय अभी मरण देना। कैसा सीता का हरण हुआ, होता है प्राण हरण तेरा। देवी, साधु बनी ही भिक्षा नहीं देते, अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा भगवान, मैं इस रेखा को लांघ नहीं सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। लीजिए भगवान, भिक्षा लीजिए। परंतु देवी, साधुओं से डरना तो निर्मूल है, साधु जिसके घर आ जाते हैं ईश्वर भी उनके अनुकूल है। क्षमा भगवान, मैं देवर की आन को नहीं लांघ सकती, ये लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकती। तो ठीक है, तुम अपने देवर की आन रखो, ये साधु आप तुम्हारे द्वार से निराश होकर लौटते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ठहरिए भगवान, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। चली आओ देवी। लीजिए योगीराज, चली आओ। भिक्षा लीजिए, भिक्षा दो देवी, मुझे क्षमा कीजिए। चली आओ, मैं आपकी सती को नहीं जान सकती। चली आओ। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। ये क्या? देख और पहचान। कौन है आप? सत्य है सावधान, अब तू मेरे बंधन में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तू रावण के बंधन में है। रावण, तू यहाँ क्या करने आया है? अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। भुलाओ राम का चिंतन, करो स्वीकार रावण का, सुसज्जित रथ तुम्हारे सामने तैयार रावण का। एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना करता है? अरे मूर्ख, यदि प्राण प्यारे हैं तो इसी क्षण लौट जा, मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं। जिसने शिव धनु तोड़ा है वही मेरे रखवारे हैं। मैं अब तक इस रेखा में थी, किंतु अब मैं सत की रेखा में हूं। क्या तू नहीं जानता, एक पतिव्रता स्त्री की ओर कुदृष्टि डालने की मूर्खता कभी किसी ने नहीं की होगी। एक बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सूर्य भी उसके आगे शीश झुकाता है। दानी के बटुए की समता, भट्टी झोली भिकमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाओ इच्छा इस नीच पतंगे की। तू मुझे नहीं जानती,
अब इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझे मुझसे छुड़ा सके। सावधान रावण, सावधान, तेरा ही नहीं तेरे समस्त कुल का सर्वनाश हो जाएगा। लौट जा, चला जा यहां से। सीते, मैं लंकेश हूं, लंकेश, वरुण मेरा पानी भरता है, कुबेर मेरा कोठार संभालता है, यम और इंद्र मेरे द्वार पर पहरा देते हैं, वो तपस्वी राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है, जगत की वस्तुओं से पूर्णीय भंडार रहता है, जिसे चाहूं जिसे चाहूं वही करने से पहले सामने आए। यदि उंगली उठा दूं तो सर जमाने भर का झुक जाए। पुकार पुकार अपने नाम को पुकार। रघुनंदन मेरी रक्षा कीजिए, रघुनंदन पुकार अपने राम को पुकार। आर्य मेरी रक्षा कीजिए, आर्य पुकार, पुकार आर्य। ये कौन दुष्ट है जो राघवेंद्र जी की घरवाली को उठाए लिए जा रहा है? तह दुष्ट, मैं अभी आता हूँ। पक्षीराज, मेरी रक्षा कीजिए, पक्षीराज है? मेरी रक्षा कीजिए। ये मन्नाक पर्वत है या पक्षियों का राजा गरुड़? अरे ये तो बूढ़ा जटायु है जो मेरी खड़क से मृत्यु लोक को जाने वाला है। ठहर दुष्ट, ठहर। आइए माता, आइए। रघुनंदन
पुकार अपने राम को पुकार पुकार अपने राम को पुकार आवत देखी पाहिज चिंता की हबिसे जनक सुता परिहरि अकुलाई आयहु तात बचन मम पे लक्ष्मण भैया लक्ष्मण भैया तुम यहाँ कैसे लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे आ गए लक्ष्मण तुम जानकी को कुटिया में अकेला छोड़कर क्यों चले आए तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया लक्ष्मण क्यों भैया आपने ही तो आवाज दी थी हाय लक्ष्मण मेरे प्राण बचाओ आपकी आवाज सुनकर माता जी घबरा गई और उन्होंने जो शब्द मुझे कहे भैया मैं आपको बता नहीं सकता उनकी ही आज्ञा मानकर मैं आपके पीछे पीछे चला आया भैया मैं समझ गया लक्ष्मण ये सब राक्षसी माया थी भैया ऐसा ना कहिए मेरा बाया नेत्र बार बार फड़क रहा है अवश्य ही जानकी पर कोई आपत्ति आई है नहीं मेरे विचार से जानकी कुटिया में नहीं है लक्ष्मण जानकी कुटिया में चलिए भैया चलो चलो लक्ष्मण सीते माताजी सीते माताजी देखिए माताजी आ गए सीते माताजी सीते माता जी देखिए भैया सीते जैसे सबने मौन साध लिया सबने मौन साध लिया वसुंधरे वसुंधरे यदि तुम अपने चर अचर सहित इस धरातल में समाना नहीं चाहती तो ये राम तुम्हें आज्ञा देता है मेरी सिया मुझे लौटा दो वसुंधरे ये राम तुम्हें आज्ञा देता है ये राम तुम्हें आज्ञा देता है ये राम तुमसे प्रार्थना करता है मेरी सिया लौटा दो वसुंधरे मेरी सिया लौटा दो रे ये दिन क्यों है आए रे आए रे ये दिन क्यों
कुटिया सीता के बिना सुनी मेरी कुटिया सीता के बिना मन बाती जले बुझ जाए साहस ना छोड़िए, आइए माता जी की खोज करते हैं। हाँ लक्ष्मण, चलो। हो दुष्ट राक्षस, तेरे पापों का घड़ा भर आया है जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले मैं तेरे वंश को मिटा दूंगा। खा रहा हूं अब कसम धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म के सम्मान की। आन है रघुवंश की सौगंध कुल के मान की, जान की कारण बनेगी है दुष्ट तेरी जान की। जो बचाने को सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से तू फिर भी ना बचने पाएगा।